बिलासपुर क्या होगी सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज है जहां गुरु का विशेष महत्व होता है। आज बाबा गुरु घासीदास जयंती के एक दिन पूर्व बिलासपुर में बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे एक समान का संदेश देते हर वर्ष की तरह भव्य शोभा यात्रा सतनामी समाज के संतजनों के द्वारा निकाला गया, जिसमें पूरे बिलासपुर सहित दूसरे जिले से भी संत समाज के लोग अधिक संख्या में शामिल हुए। आपको बता दें, बिलासपुर महानबाड़ा से गुरु प्रकाश पर्व परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के 266वीं जयंती के शुभ अवसर पर गुरु घासीदास बाबा जी की जीवनी पर उल्लेख किया गया। बताया कि कैसे छुआछूत ऊंच नीच को बाबा श्री गुरु घासीदास जी ने समाप्त किया, उनके संदेश को भी बताया। सतनाम समाज द्वारा विशाल स्वाभिमान शोभा यात्रा निकाला गया, जो कि जरहाभाटा से नेहरू चौक से गोल बाजार सिटी कोतवाली होते हुए पुराने बस स्टैंड से महाराणा प्रताप चौक होते हुए वापस जोड़ा जैतखाम महंतबाड़ा पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रकाश और आप देख रहे हैं द YWN न्यूज। और इस वक्त मैं हूँ देवकीनंदन चौक पर। देवकीनंदन चौक में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस द्वारा आज जैसे कि गुरु घासीदास जयंती का भव्य रैली शहर में निकाला गया है, उसी रैली का जो भव्य स्वागत के लिए इस वक्त छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस देवकीनंदन चौक में काफ़ी देर से इंतजार कर रही है। और जानते हैं कि क्या इनका प्रतिक्रिया है आज की इस रैली को लेकर के, और शहरवासियों को क्या संदेश ये देना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम करण मधुकर है और मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज शहरवासियों को आप? जी, मैं सर्वप्रथम तो बिलासपुर शहरवासियों को 18 दिसंबर बाबा गुरु घासीदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यकीनन हम लोग हर साल की तरह बाबा जी की जो शोभा यात्रा निकलती है महंतबाड़ा से, उनका हम स्वागत करते हैं। और जहां हमारे सभी युवा भाइयों के और हमारे पार्टी के सहयोग से हम फल एवं इत्यादि जो पानी एवं जल का हम वितरण करते हैं। और यकीनन बाबा जी कहते हैं कि मानव एक समान, उसी उपदेश को हम स्मरण करते हुए, हम उसी उपदेश का पालन करते हुए मैं पुनः बिलासपुर शहरवासियों प्रदेशवासियों को 18 दिसंबर बाबा गुरु घासीदास जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और यकीनन बाबा जी के उपदेश का पालन करें, स्मरण करें, यही मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा। चुनावी मुद्दों में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो सामाजिक मंच है, चुनावी मुद्दा तो अभी यहाँ पास बोलना समर्थ हो जाएगा, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है तो मैं बाबा जी की ही उद्देश्य और उनके ही विषय में ही चर्चा करूँगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं राजमहंत ब्रिजखंडे बिलासपुर से। मैं सर्वप्रथम शहरवासियों को और पूरे देशवासियों को गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएँ और शुभ आशीष देना चाहता हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी का इस प्रदेश पर सदैव अपना कृपा और दया दृष्टि बनाए रखे। सर्व समाज के जो बाबा जी ने मानव एक समान का बाबा का उद्देश्य और जो मानव के लिए एक नए संगठन और सकारात्मक दृष्टि से समाज को एक नई दिशा दे सके, इस प्रकार की भावनाएं जो बाबा ने कही थी उस पर आधारित हम समाज, सर्व समाज एकत्रित होकर कल बाबा जी के 18 दिसंबर की जयंती का कार्य आयोजन में लगे हुए हैं। और इसी संध्या और पूर्व समय पर सभी देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मानव एक समान का बाबा जी का उद्देश्य है, मानव कोई भी रहे उसमें भेदभाव नहीं रहना चाहिए। मानव अपने हर जीवन को जन्म से लेकर अंत समय तक के लिए जो प्रेम और सद्भावना और मानव एक दूसरे का जो सहयोगात्मक दृष्टि का भावना बनाए रखते हैं, वो सदैव सब पर, सब जीवों पर जागृत रहे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं शुभ बाबा जी का आशीर्वाद आम जनता को प्रेषित करना चाहूँगा। और बाबा जी का सदैव आशीर्वाद हम सब मानव धर्म पर बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि सदैव बना रहे। जय गुरु घासीदास बाबा जी, जय गिरौदपुरी धाम, जय माता अमरावती, जय महंगूदास बाबा, जय गुरु घासीदास बाबा, जय गुरु घासीदास बाबा। बोलिए सतनाम पुरुष की, गुरु घासीदास बाबा की, परम पिता परमेश्वर की, गुरु घासीदास बाबा की जय। सतनाम। धन्यवाद। आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विश्वंभर गुलहरे है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ धोगी का। आज हम लोग जो बाबा जी की जयंती के पूर्व शोभा यात्रा निकलती है, उसके स्वागत के लिए शोभा यात्रा के जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनका स्वागत समारोह करने के लिए एकत्रित हर साल होते हैं, इस साल भी हुए हैं।
भाई करण मधुकर जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज कार्यक्रम को रखा गया है। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बाबा जी का जो संदेश है मानव मानव मन के एक समान, उसका बहुत गूढ़ अर्थ है। बाबा जी ने कहा है कि कोई भी मनुष्य अलग अलग नहीं है, सारे मनुष्यों को यदि आप खून लोगे तो सबका खून लाल है, सारे लोगों का जो अंग प्रत्यंग है एक समान है, तो अलग कहाँ से हुआ, जुड़ाव कहाँ से हुआ, अलग अलग की बातें कहाँ से हुई। बाबा जी ने इतना गंभीर बात कहा कि यदि इसे लोग मान जाए तो हमारे समाज में हमारे देश में एक रुकता रहे, भाईचारा बन जाएगी, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा और हमारा भारत बहुत तेज़ी से उन्नति करेगा। केवल बाबा जी का एक संदेश, एक उपदेश को अपने हाथ अंगीकार कर ले और उसको मंत्र की तरह देख ले कि मानव मानव एक समान, और सोचे उसको, और सोचने में उसको लगेगा कि बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कितने साल पहले कर दी थी। धन्यवाद, जय हिंद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब की जय जय होकर, गुरुदास गुरुदास गुरु बाबा जी की, हम लोग सबके बाबा हैं, कहीं एक समुदाय के बाबा नहीं हो, बाबा जी पूरे समुदाय पूरे मानव समाज के बाबा जी हैं। गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर मैं उनकी जय जयकार करते हुए एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे साथ गाना लगाए, 18 दिसंबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, 18 दिसंबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गुरु घासीदास बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गुरु घासीदास बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। मेरा नाम दिलदार सिंह कुटे है और मैं जीत जोगी युवा मोर्चा का ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ। आज बड़े उत्साह के साथ हमारे बिलासपुर के साथ साथ पूरा प्रदेश में शोभा यात्रा संदेश यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भी आज बड़े हर्ष के साथ में देवकी नंदन चौक में शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। यहाँ पे उपस्थिति माननीय ऋचा जोगी जी भी पहुँचेंगी कार्यक्रम सफल बनाने के लिए। और ऐसा कार्यक्रम हम लोगों को हर साल की भांति मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। बाबा के जो संदेश हैं वो मानव मानव एक समान, वो सब एक साथ करके दुनिया में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में मनाना चाहिए। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय।